हेलो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अमित है। आप देख रहे हिंदी एक वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला है कैमरा टू एपीआई क्या होता है और किस तरह से आप जान सकते हो अपने डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई एनेबल है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते। तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर से देख लेना अगर आप जानना चाहते हो तो कैमरा टू एपीआई क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन आता है उसे भी दबा देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, वो भी ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कैमरा टू एपीआई क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों गूगल ने जब से 4.4 किटकैट के बाद 5.0 लॉलीपॉप लॉन्च किया है उसके बाद कैमरा टू एपीआई बहुत ज़्यादा चर्चे के विषय हो गया है। अगर आप गूगल कैमरा की जो पोर्ट्रेट मोड है उसका इनेबल करना चाहते हो, उसका अगर आप यूज़ करना चाहते हो सिंगल कैमरा डिवाइस के अंदर, आप पोर्ट्रेट मोड का मजा लेना चाहते हो तो आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई इनेबल होना पड़ता है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई इनेबल नहीं है तो आप गूगल पोर्ट्रेट मोड का मजा नहीं ले सकते हो। तो 4.4 किटकैट के अंदर क्या होता था, जो कैमरा का एपीआई होता है नॉर्मल एपीआई होता है, इसके अंदर जो थर्ड पार्टी डेवलपर होगा कैमरा ऐप डेवलपर होगा उसको सपोर्ट नहीं होता है। जो मैनुअल एक्सपोर्ट हो जाए, जो आईएसओ हो जाए, जो एडवांस कंट्रोल होता है इस कैमरा के अंदर, जैसे कि जो शटर स्पीड हो जाए, जो रॉ इमेज हो जाए उसको कैप्चर करने की। पर दोस्तों 5.0 लॉलीपॉप आने के बाद गूगल ने क्या किया, जो कैमरा टू एपीआई को इनेबल कर दिया। इसके साथ जो थर्ड पार्टी डेवलपर एप्लीकेशन होगा उसके अंदर उसको पावर दिया गया है। अगर आप चाहो तो कैमरा की एडवांस जो सेटिंग्स होता है लाइक आईएसओ हो जाए, मैनुअल एक्सपोज हो जाए, फोकस हो जाए, रॉ इमेज हो जाए, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। सो इसके साथ क्या होता है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई इनेबल है तो आप दोस्तों एडवांस कैमरा ऑप्शन के साथ बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। पर अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई इनेबल नहीं है तो जो थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर होगा वो इतने अच्छे से आपका जो फोन का कैमरा है उस कैमरा को यूज नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको एक लाइन में बताऊं, जो कैमरा टू एपीआई है, कैमरा टू एपीआई के साथ जो थर्ड पार्टी डेवलपर होगा वो आपके कैमरा को एडवांस लेवल में जाके अच्छे से फोटोज को क्लिक कर पाएगा। पर दोस्तों कुछ डेवलपर है, कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चर है जो कि अपने डिवाइस को कैमरा टू एपीआई सपोर्ट तो करता है पर आपका जो OEM होगा, जो डिवाइस मैन्युफैक्चर होगा, आप कैमरा टू एपीआई को टर्न ऑफ करके देता है। सो इस चीज़ को टर्न ऑन करने के लिए, कैमरा टू एपीआई को टर्न ऑन करने के लिए आपके डिवाइस को रूट करना होता है। रूट करने के बाद कैमरा टू एपीआई को इनेबल करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरा रेडमी नोट 4 है दोस्तों, इसके अंदर कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट है, फिर भी जो रेडमी कंपनी है, जो शाओमी कंपनी है, कैमरा टू एपीआई को इनेबल करके नहीं दिया है आउट ऑफ द बॉक्स के अंदर। पर दोस्तों मैं इस फोन को रूट करके कैमरा टू एपीआई को इनेबल कर दिया हूँ। उसके साथ साथ बता दो दोस्तों कुछ फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर कैमरा टू एपीआई इनेबल होता है, जैसे कि मोटो की डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई इनेबल होता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूँ फ्लिपकार्ट का ब्रिलियंट कैप्चर प्लस है, उसके अंदर भी कैमरा टू एपीआई इनेबल है। रूट एक्सेस के बगैर ही ये काम करता है कैमरा टू एपीआई। तो कैमरा टू एपीआई के साथ गूगल का जो पोर्ट्रेट कैमरा है, जो AI कैमरा है, बेसिकली जो जितने भी मॉडर्न कैमरा एप्लीकेशन है, जैसे कि OnePlus की कैमरा एप्लीकेशन हो जाए, Vivo की कैमरा एप्लीकेशन हो जाए, Samsung की कैमरा एप्लीकेशन हो जाए, गूगल की पोर्ट्रेट मोड कैमरा एप्लीकेशन हो जाए, जितने भी कैमरा एप्लीकेशन है उसको ढंग से काम करने के लिए कैमरा टू एपीआई की जरूरत होती है। सो कैमरा टू एपीआई के साथ बेटर कैमरा सेटिंग्स का एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो आपका जो डिवाइस है कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट करता है और नहीं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आपको प्ले स्टोर के ऊपर ले जाएगा, वहां पर जाके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उस एप्लीकेशन के अंदर आप जाके व्हाट्सएप पढ़ सकते हो क्या आपका जो डिवाइस है वो कैमरा टू एपीआई इनेबल है और नहीं है। सो आपको उस एप्लीकेशन के अंदर ले चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखनी है। सो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म मत करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना होगा क्या आपका डिवाइस कम्प्लीटली फुल्ली कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट करते हैं और आपका जो OEM है, जो डिवाइस मैन्युफैक्चर है, वो कैमरा टू एपीआई को बंद करके रखा है और आपका डिवाइस सपोर्ट ही नहीं करता है। सो आप उसके बाद आपको मोबाइल के अंदर ले चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसे कि आप देख पा रहे हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाया गया। ऊपर आपको यहाँ पर मॉडल नंबर बता रहा है, ये मेरा रेडमी नोट 4 है जो कि एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर रनिंग कर रहा है। SDK वर्जन है 24। यहाँ पर कैमरा ID 0 दिखा रहा है क्योंकि पीछे का जो कैमरा ID है, कैमरा ID 0 का मतलब है पीछे। और पर देख पा रहे हो हमें जो चीज़ देखना है वो है दोस्तों हार्डवेयर लेवल सपोर्ट कैटेगरी। यहाँ पर हार्डवेयर लेवल सपोर्ट कैटेगरी का मतलब क्या है, मतलब है सिंपल, अगर आपको लेवल 3 दिखाता है सो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है दोस्तों, आपका डिवाइस कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट करता है, प्लस आपका जो डिवाइस मैन्युफैक्चर है वो आपकी कैमरा टू एपीआई के साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर दिया है यहाँ पर, इसलिए मुझे लेवल 3 के अंदर टिक दिख रहा है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर फुल्ली दिखाता है, इसका मतलब है आपका जो फ़ोन है, आपका जो डिवाइस है,
कैमरा टू एपीआई को फुल्ली सपोर्ट करता है, यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आपको लिमिटेड दिखाता है, इसका मतलब है आपका जो डिवाइस है वो कुछ कुछ फंक्शन को काम करेगा, कुछ कुछ चीज़ को सपोर्ट करता है, पर फुल्ली कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट नहीं करता है। और अगर आपको लास्ट वाला ऑप्शन लेगेसी दिखाता है, इसका मतलब है आपका जो डिवाइस है, आपका जो मॉडल नंबर है, आपका जो फ़ोन है, वो कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट नहीं करते। अगर दोस्तों आपका जो डिवाइस है कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट नहीं करता है, सो आप कैसे इसको कैमरा टू एपीआई इनेबल करते हैं, इसलिए आपको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। सिंपली आपको मैजिक एसके के साथ आपका जो डिवाइस है उसके अंदर रूट एक्सेस करके मैजिक एसके के साथ आपकी डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई को इनेबल करना होता है। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस होता है। यहाँ पर बता रहा है दोस्तों क्या क्या एक्सपोज, फोकस, वाइट बैलेंस कुछ इस तरह से दिखा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कैमरा टू पे का मतलब है एडवांस कैमरा की सेटिंग्स, और यहाँ पर कैमरा आईडी भी है। सो कैमरा आईडी 0 का मतलब है बैक कैमरा, कैमरा आईडी 1 इसका मतलब है फ्रंट कैमरा। सो फ्रंट कैमरा के अंदर ढंग से काम कर रहा है, फ्रंट कैमरा के अंदर भी दोस्तों कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट है लेवल 3 के अंदर। यहाँ पर बता रहा है ऑटो फोकस नहीं है, ऑफकोर्स रेडमी 4 के अंदर फ्रंट कैमरा के अंदर ऑटो फोकस नहीं है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर से फ्रंट कैमरा के अंदर रॉ की सपोर्ट है, ब्रास मोड है, और देखिए बड़े हो मैनुअल फोकस भी है। एनीवे दोस्तों आप समझ गए हो किस तरह से आपका जो डिवाइस हो कैमरा टू एपीआई को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको बता देगा कि आपका डिवाइस फुल सपोर्ट है और थर्ड लेवल सपोर्ट है, उसके साथ साथ क्या सपोर्ट नहीं है। एनीवे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।